जीरे में उछाल। जी हाँ, जीरा एक बार फिर 25,000 ही बन गया है। जहां एक सप्ताह पहले तक इसके भाव में स्थिरता थी, वहीं अब जीरे में हलचल शुरू हो गई है। बीते 2 दिनों में जीरे के भाव में उछाल देखने को मिला है। इन 2 दिनों में जीरे में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी फिलहाल मंडियों में देखने को मिल रही है। राजस्थान की मंडियों में जीरे के भाव में उछाल दर्ज किया गया है और भाव 25,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आगे भी भाव में तेजी बनी रह सकती है। जीरे के बढ़ते भाव एक बार फिर व्यापारियों और किसानों में चर्चा का विषय भी बन चुके हैं। पिछले सप्ताह से जीरे के भाव में फिर से तेजी का दौर शुरू हुआ है। व्यापारी सप्ताह के पहले दिन ही यानी सोमवार को मंडियों में जीरे के भाव 800 रुपये तेज रहने के साथ ही इसके भाव 25,600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गए थे। वहीं हफ्ते के दूसरे दिन भी जीरे का भाव 25,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर ही रहा। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीरे के भाव में आगे भी उछाल की संभावना बनी हुई है। उछाल के बीच थोड़ी गिरावट होती रहेगी, लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए तो जीरे के भाव बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि विदेशी बाजार खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज में भारतीय जीरे की डिमांड बढ़ गई है। इसी वजह से NCDX मार्केट में भी जीरे में तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि आगे भी जीरे के भाव में उछाल रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ इस वर्ष जीरे की कमजोर ग्रोथ के कारण भी बाजार में जीरे की डिमांड बढ़ गई है। इन सभी कारणों को देखते हुए माना जा रहा है कि आगे जीरे में तेजी बनी रह सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार नया माल आने तक पुराना जीरा पूरी तरह बिक जाएगा, जबकि हर साल नया जीरा आने तक 20 से 25 लाख बोरी जीरा पूरे भारत में बचता है, लेकिन इस बार ये 3 से 4 लाख बोरी बचने की ही संभावना है। वहीं इस बार देश भर में जीरे का उत्पादन भी कम होगा। व्यापारियों के अनुसार इस रबी सीजन में 50 से 55 लाख बोरी उत्पादन की उम्मीद है, जो देश के घरेलू खपत के लिहाज से कम पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।